केंद्रीय श्रम संगठनों, औद्योगिक फेडरेशन और कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मोहद्दीपुर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय पर दो दिवसीय धरना दिया। समिति के मुख्य मांगों में सभी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन 18,000 प्रति माह कम से कम और श्रम कानूनों को सख्ती से लागू किए जाने, श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन को वापस लिए जाने, बिजली नियमों का एकीकरण कर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का पुनर्गठन किए जाने, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2018 वापस लिए जाने सहित अन्य मांगें शामिल हैं। धरने में सुनील श्रीवास्तव, नीति श्रीवास्तव, इंजीनियर मुदित तिवारी, इंजीनियर ए के सिंह, दीपक चक्रवर्ती, कन्हैया लाल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए ऐश्वर्या सिंह ने कहा, हमारा ये है कि हमारी बात आज सीएम के शहर होने के नाते हमारी चिंतन करना पड़ेगा और वो विचार कर करके ये घोषणा करेगी। दोस्तों, अभी आपने देखा अपने और एक चालाक आदमी बैठा है, चालाक रोमड़ी होती है दोस्तों, सिर चालाक नहीं होता। ये ध्यान आगे है मांगने अपने पाएंगे से टकराएंगे। इनकलाब आठ और 9 जनवरी दो दिन राष्ट्रव्यापी हड़ताल है हम लोग की। इसमें हमारी प्रमुख मांगे पांच प्रमुख मांगे हैं कि बिजली निगमों का एकाकीकरण करते हुए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 जो शीतकालीन सत्र में सरकार द्वारा संसद में पार्लियामेंट में लाना जाया था उसको वापस लिया जाए। दूसरी है कि 2000 के बाद जितने भी बिजली कर्मचारी हैं सबको पुरानी पेंशन बहाल की जाए। तीसरी मांग है हमारी कि जितनी वेतन विसंगतियां हैं जो भी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वो चीज़ें लागू की जाएं। चौथा है कि हमारा तेलंगाना सरकार जैसे जितने भी रिक्त पदे थी उन रिक्त पदों पे जितने भी कर्मचारियों को वापस उनको पूर्ण रूप से सरकार ने बहाल किया, जितने भी हमारे संविदा कर्मचारी थे वैसे ही उत्तर प्रदेश में जो भी रिक्त पदे हैं उस पर हमारे संविदा कर्मचारी को पूर्ण रूप से बहाल किया जाए और वापस उनको सरकारी व्यवस्था दी जाए। क्या नाम है आपका? ऐश्वर्य सिंह।